हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम इन एपिसोड 3। बहुत ज्यादा थैंक यू यार, आप लोगों ने हमारे पिछले दो एपिसोड्स को बहुत अच्छे से प्यार दिया, बहुत प्यारी प्यारी यार कमेंट्स आए। तो भाई चलो आज हम अपने जो है एपिसोड 3 को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज हमारे पास जो है काम करने को बहुत सारा है। तो सबसे पहले मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये टेबल जो मेरा पहले स्टडी टेबल हुआ करता था, एंड अभी जो है हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे इसको, क्योंकि ये वॉल है यानी नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है, ये दीवार में कम्प्लीटली फिट है। तो अभी हम इसको निकालने वाले हैं। दूसरा हमारे पास काम है ये जो आपको दिख रहा होगा ना वॉल, ये सारा का सारा वॉल जो है ये खराब हो चुका है। तो इसको फिलहाल मैं 2 फुट की हाइट तक जो है कम्प्लीटली मेरे को इसके प्लास्टर को निकालना होगा, एंड देन जाकर के किसी एक दिन के लिए मेरे को परमिशन मिल गया है कि भाई मैं किसी लेबर को बुला करके ला करके जो है यहाँ से सही करवा सकूँ। तो भाई जो इसका प्लास्टर का काम है, क्योंकि वो देखो अपने से नहीं हो सकता, तो वो करवाएंगे भाई अपने यहाँ पर लेबर से, एंड बाकी का सारा काम तुम्हारा भाई खुद करेगा। चल झूठा। तीसरा भाई काम है यहाँ पर ये देखो, ये कर्टेन है, इसको हम यहाँ से निकालेंगे। चौथा काम है दोस्तों, जो मैंने आपको पता होगा जो लास्ट टाइम सेकंड एपिसोड के अंदर हमने जो टेबल बनवाया था, यानी कि जो हमने टेबल वगैरह जो जिस प्लाईवुड का यूज करके बनवाया था, तो उसका जो है दोस्तों ड्रावर एंड स्टैंड वो मैंने तैयार होने के लिए दे दिया था अभी से 2-3 दिन पहले, यानी कि उस दिन से जिस दिन मैंने टेबल बनवाया था उस दिन से आज 4th दिन है। तो 4 दिन के अंदर लगभग वो बन करके तैयार हो भी गया होगा, तो भैया ने बोला भी था आपको पता ही है नहीं। तो आज जाने वाले हम शाम के वक्त वहां पर लेने के लिए, देखने के लिए भाई कहां तक काम हो गया। या तो हो सकता है कि आज शाम को ही आ जाए, नहीं तो हो सकता है भाई कल आ जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपको अपने बाल को बचाना है तो कैप डाल लो, दूसरा मास्क डालना भी बिल्कुल मत भूलो। तो हमें इस टेबल को यहाँ से निकालना है, तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टू, तो आप बताओ किसके मदद से ये टेबल निकलेगा। ये क्या कहते हो, जल्दी बताओ। हाँ सही पकड़े, इंटेलिजेंट हो तुम। दिस इज रियली गुड। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own. तो चलो भाई पहले मिशन के अंदर हम पास हो चुके हैं, और अब करते हैं भाई आके थोड़ा ही स्टार्ट। Slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. भाई ओए बहुत मेहनत है भाई। Cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Thank you.
लो कंप्लीट कर लिया भाई पूरा का पूरा यहाँ पर, और बहुत सारा मलबा इकट्ठा हो चुका है, ये देखो बहुत सारा है, अभी दिखाता हूँ। और भाई कम्प्लीटली यार मतलब बॉडी की इतनी बुरी आदत हो गई है, डेढ़ घंटे लग गए इसको करने में, और भाई कमर की पूरी तरीके से यार बैंड बच गई, आप ये समझो बहुत बुरी आदत हो गई। भाई सब करवा लो, ये नहीं हो सकता बस। तो ये देखो भाई ये जो सारा दीवार ना खराब हो रहा था, जहाँ जहाँ पर पेंट लूज था हमने सारा का सारा निकाल दिया, ये मेन तो भाई ये था, ये देखो ब्रिक तक आ गई थी, पूरा सीमेंट ये खराब हो गया। तो मलवा भाई कसम से देख लो बहुत ज्यादा ही है, आपको देख नहीं रहा होगा लेकिन आपके घर में बहुत ज्यादा है। तो कल भाई मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा और एक दिन के लिए, और एक दिन में कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जो काम है वो निपट जाए यहाँ पर। और भाई अब चलना है भाई हमें यहाँ पर यानी कि कारपेंटर के पास, जहाँ पर अभी हमने टेबल और स्टैंड बनने के लिए दे रखा है हमने, तो वो जाकर के देखते हैं, और अगर अभी हो पाया तो अभी उठवा लेंगे वहां से, नहीं तो वो कह रहे थे भैया कंप्लीट हो जाएगा तो हम खुद भी भिजवा देंगे। तो आज का ही नाम इन्होंने कहा था शाम का, तो अभी दो तीन घंटे में निकल जाएंगे यहाँ से। और फाइनली भाई हमारे रूम का जो है मेन है भाई, अब इसका कम्प्लीटली रिपेयरिंग पार्ट होना है और कम्प्लीटली इस रूम को पेंट करना है। तो भाई पेंट जो है बेसिकली मैं यहाँ पर अभी ग्रे कलर में करवाऊंगा, यानी कि आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट व्हाइट एंड ग्रे के कॉन्सेप्ट में, ब्लैकिश ग्रे वाले में। सो लो भाई हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं अपने यहाँ पर शॉप पे, जहाँ पर मतलब कि हमने दे रखा था ड्रॉवर को बनने के लिए। तो देखते हैं कि कहाँ तक काम भैया लग रहा है काम कर ही रहे हैं। ये देखो भाई ये रहा अपना ड्रॉवर, ये बन करके ऑलमोस्ट तैयार है। तो कंप्लीट हो गया है ना भैया, ये तो कंप्लीट है ना। चलो क्लीनिंग की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे, वो तो अभी मतलब कल के दिन लेके जाएंगे इसे। और ये रहा भाई अपना स्टैंड, ये भी मतलब अभी बना नहीं आई थी, ये कर रहे हो ना अभी तो, ओके सपोर्ट अभी ऐड करोगे। चलो ठीक है, तो देखो भाई ये है अपना स्टैंड, मतलब ये मत समझना है कि ये डायरेक्टली अभी यही स्टैंड है, अब इसके ऊपर काफ़ी काम होना बाकी है। तो मैं आपको देखो ये दिखा देता हूँ यहाँ पर ड्रॉर में, यहाँ पर देखो भाई तीन सेल्फ हैं, इसके अंदर हमने तीन रखा है ताकि आराम से जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं ना, कैमरे वगैरह और भी जो भी सामान हमें इसके अंदर रखना हो तो बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगा। तो काफ़ी स्पेशियस है हमारा ये, और ये तो मैंने खैर आपको यहाँ पर दिखाई दी। तो लो भाई अपना जो सारा सामान है यानी कि जो हमारा बनना था भाई वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है यहाँ पर। तो कम्प्लीट यार चलो एक बार बन जाएगा तो मैं आपको कम्प्लीटली बिल्कुल फुल लुक दिखाऊंगा। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि आज आज के लिए तो इसको छोड़ना पड़ेगा, यानी कि हमें स्टैंड भी अभी बनना बाकी और कम्प्लीटली और भी काफ़ी सारी फिनिशिंग है जो अभी बिल्कुल है अभी, यानी कि एक दिन का काम अभी और है। तो चलो इसको कल दिखाएंगे। तो भाई जो नेक्स्ट हमारा ब्लॉग आएगा उसके अंदर मैं आपको जो अपनी कंप्लीट टेबल का जो लुक है वो लगा करके मैं अपने कमरे में दिखा दूंगा कि भाई ये कैसा लगने लग रहा है। तो बाकी आप बताना कि आपको जो हमारा ड्रॉवर जो मैंने यहाँ पर बनवाया वो कैसा लग रहा है। तो चलो यार एक बार अपनी तरफ से तो हमने भाई एजम्पशन कर लिया है, लेकिन एक बार भैया से भी पूछ लेते हैं कि यहाँ पर जो है मुझे फाइनल जो है ये मतलब कि कल मिल जाएगा या आज मिल जाएगा, वो चीज़ कन्फर्म कर लेते हैं एक बार। तो भैया बताओ कब तक दे दोगे? कल सुबह। तो चलो भाई कल सुबह मिल जाएगा और कंप्लीट व्यू भी मिल जाएगा कल। तो चलो सक्सेसफुली हमने दोस्तों तीन एपिसोड तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ही लिया है, और जो नेक्स्ट ब्लॉग है दोस्तों बहुत अमेजिंग है, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों मैं जा रहा हूँ यानी कि जहाँ पर मुझे गुड़गांव के अंदर सबसे बेस्ट पिज्जा पसंद है एक जगह पर। तो वहाँ पर मैंने आपको लास्ट में अपने दो ब्लॉग अगर आपने पीछे देखा होगा तो मैंने आपको दिखाया भी था एक शॉप सा था, तो वहाँ पर जाने वाले हो नेक्स्ट ब्लॉग दोस्तों उसी का मिलेगा आपको वहाँ पर। तो चलो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, बाय बाय।